खास तूफान की वजह से जहां बंगाल में तबाही हुई है, तो वहीं ये तूफान यूपी के पूर्वी हिस्सों में भी तबाही का कारण बन सकता है। राहत की बात यह है कि इसका उत्तराखंड में कम ही असर रहेगा, लेकिन फिर भी आपदा प्रबंधन विभाग कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए देवभूमि में भी अलर्ट है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान यास बेहद रौद्र रूप धारण कर चुका है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में यास तूफान के तांडव को देखते हुए कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल और ओडिशा सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जोखिम वाले क्षेत्रों से 12 लाख से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। इस चक्रवाती तूफान की वजह से यूपी और उत्तराखंड में भी मौसम बदल सकता है। आशंका है कि गुरुवार को उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, जिसे लेकर आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट पर है। पिछले दिनों ही ताऊते तूफान के असर से उत्तराखंड में कई जगह बादल फटे थे। इस बार अगर कुछ अनहोनी हुई तो नुकसान बड़ा हो सकता है। यही वजह है कि पहले से ही तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं। मौसम विभाग की माने तो 27 मई को गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना जताई जा रही है। तूफान से महाविनाश की आहट से पहले ही काठगोदाम से हावड़ा जाने वाले बाघ एक्सप्रेस को एक दिन के लिए रद्द कर दिया गया था। अगर आने वाले दिनों में मौसम ज्यादा खराब हुआ तो रेलवे फिर से ट्रेनों के संचालन को रद्द कर सकता है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवात यास की वजह से उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में अच्छी बारिश होगी। उत्तराखंड में इसका असर कम ही देखने को मिलेगा, लेकिन उत्तराखंड में वेस्ट डिस्टरबेंस की वजह से बारिश की संभावना जरूर जताई गई है। मेनली उत्तर पश्चिम में जाएगा, नॉर्थ वेस्ट और झारखंड पहुंचेगा नाइट तक, और वीक भी होगा। अभी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था, अभी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, शाम को साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा, नाइट को डिप्रेशन बन के कालू वेल मत लो। तो ये जो होर जो वीकनिंग होगा उसमें झारखंड बिहार का जैसे ही जाएगा उत्तर पश्चिम में, झारखंड बिहार में बहुत बारिश होगा और फ्लड का भी इम्पैक्ट रहेगा। पूर्व हिस्सा जो यूपी का है, जो दो तीन चार डिस्ट्रिक्ट है, वहीं जो बिहार का जो बॉर्डर वाला डिस्ट्रिक्ट वही अफेक्ट करेगा। और कल जो है, कल नाइट और परसों 27 नाइट में बिहार और उत्तर प्रदेश में बारिश होगा और उसके बाद सिस्टम कम्प्लीटली मतलब डाई डाउन होगा। भाई जोशीमठ ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। करीब 6 दिन बाद हाईवे पर वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। दरअसल भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे कई जगह से बंद था, कहीं सड़क पर मलबा गिरा था तो कहीं पर सड़क ही क्षतिग्रस्त हो गई थी। आखिरकार बीआरओ ने हाईवे को खोल दिया है और आवाजाही शुरू हो गई। हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा के भाजपा विधायक सुरेश राठौर को ब्लैकमेल करने के आरोप में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आरोप है कि विधायक को अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा था और उनसे 30 लाख रुपए रंगदारी मांगी जा रही थी। विधायक की शिकायत पर हरकत में आई पुलिस ने एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मेरी राजनीतिक और सामाजिक छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे थे, उनके मुंह पर तमाचा है। अपराधी कोई किसी भी जाति और बिरादरी का हो, बख्शा नहीं जाना चाहिए और ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। वो बीजेपी से निष्कासित हो गया, सुरेखा थी, लेकिन पुलिस ने सारी छानबीन कर ली है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, उसका जो कृत्य है वो दुनिया के सामने आ गया। इसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था और फिर साक्ष्यों के आधार पर इसमें जो 4 नामजद लोग हैं उनकी अरेस्टिंग की गई और एक अन्य व्यक्ति की अरेस्टिंग की गई है। इसमें विवेचना प्रचलित है और जैसे जैसे भी फैक्ट्स सामने आएंगे वैसे कार्रवाई की जाएगी। ऋषिकेश में डीआरडीओ का कोविड-19 हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है। सीएम ने अस्पताल का उद्घाटन किया। 500 बेड के इस अस्पताल में सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। अस्पताल में 400 बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। 100 बेड एम्स ऋषिकेश में बनाए गए हैं जिनमें आईसीयू रहेगा। डीआरडीओ ने इस हॉस्पिटल को महज 15 दिन के भीतर बनाकर तैयार किया है, जो उत्तराखंड के लिए राहत भरी खबर है। डीआरडीओ के माध्यम से 500 बेड का कोविड सेंटर शुभारंभ हुआ है, उसका लोकार्पण हुआ है और मैं इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का
रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके कारण आज यह हॉस्पिटल तैयार हुआ है और साथ में डीआरडीओ के जो चीफ हैं सतीश, डॉक्टर सतीश जी, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। कम समय में 14 दिन के अंतराल में यह हॉस्पिटल हमको तैयार करके दिया। ये अस्पताल डीआरडीओ और उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट की मदद से 14 दिन में लगभग तैयार, 2 हफ्तों में बनकर तैयार हो गया था। इस अस्पताल में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सप्लाई है, हर बेड पे ऑक्सीजन है, स्टेट ऑफ आर्ट बेड्स हैं, जो पेशेंट का फ्लो है वो बहुत ही सोच समझ के डिजाइन किया गया है, अलग अलग वार्ड्स हैं, 400 पेशेंट्स के लिए यहाँ पर, जो मॉडरेट क्वालिटी के पेशेंट्स होते हैं, जो आईसीयू में इनकी जरूरत नहीं होती, उन मरीजों के लिए यहाँ पर बड़े उत्तम बेड्स हैं। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने हल्द्वानी के मेडिकल कॉलेज में बनाए गए 500 बेड के कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। बिशन सिंह चुफाल का कहना है कि अस्पताल 1 जून तक बनकर तैयार हो जाएगा। चुफाल ने कहा कि खराब मौसम और दूसरी दिक्कतों के चलते इसके निर्माण में 10 से 12 दिन से ज्यादा का समय लगेगा। सीएम तीरथ सिंह रावत ने श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में बने आईसीयू का वर्चुअल लोकार्पण किया। मेडिकल कॉलेज में 30 बेड का आईसीयू बनाया गया है। आईसीयू बनने से पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले के लोगों को इलाज में काफी मदद मिली। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअली इसका लोकार्पण किया है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में आईसीयू तैयार हो गया है, जिसका लोकार्पण खुद वर्चुअली जुड़कर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया। और अब एक अहम खबर हरिद्वार से, जहां लक्सर में एक बार फिर से कोरोना बम फूटा है। खानपुर के ब्रह्मापुर में 7 लोगों को कोरोना हुआ है। एक ही गांव के 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 19 मई को 104 लोगों के सैंपल लिए गए थे। गांव में किसी बाहरी शख्स की एंट्री पर अब पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि एक ही गांव में 7 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, 19 मई को 104 लोगों का सैंपल यहां पर लिया गया था। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ब्लैक फंगस की वजह से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 24 घंटे के भीतर ही 9 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। ब्लैक फंगस को लेकर राज्य सरकार ने 12 डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाए। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत टिहरी के दल्ला पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी जिला अध्यक्ष के माता पिता के निधन पर सांत्वना दी। इस दौरान पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि महामारी के इस दौर में कांग्रेस को भय का माहौल नहीं बनाना चाहिए। देश में कोरोना कंट्रोल को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। 7.5 लाख वैक्सीन राजस्थान में खराब कर दी गई, आखिर क्यों? इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की ज़रूरत है। ये महामारी है और इसमें किसी तरह का भ्रम निर्माण करना, दोषारोपण करना, ये कतई उचित नहीं है। बल्कि कैसे हम मिलजुल कर के इस लड़ाई को जीत सकते हैं, उस दिशा में अगर सोचें तो ज़्यादा उचित हो। खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी ने शक्ति केंद्र प्रमुख और बूथ अध्यक्षों को मेडिकल किट बांटी। इस दौरान थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए। इसके साथ ही धामी ने शक्ति केंद्र प्रमुखों और बूथ अध्यक्षों को निर्देश दिए कि वह अपने अपने क्षेत्रों में मास्क और सैनिटाइजर बांटे, साथ ही लोगों को जागरूक भी किया। बहुत नीचे बूथ लेवल पर काम करने वाले सभी कार्यकर्ता हैं, जो लोगों के लगातार संपर्क में रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको संक्रमण की जानकारी ठीक प्रकार से नहीं होती, उनके बीच में जाकर जन जागरण का ये अभियान चलाएंगे, उनको जागृत करेंगे, सब लोगों को बताएंगे। उधर खटीमा में लगाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट का विधायक ने कोविड नोडल अधिकारी के साथ निरीक्षण किया। इस प्लांट को जून महीने तक पूरा करने का आदेश है। इस ऑक्सीजन प्लांट से प्रति मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। 1000 एमपीएम का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का भी कार्रवाई करवा दिया है, जिसमें जो कि नींव शुरू हो गई और जल्दी ये काम पूरा कर लिया जाएगा।
1000 LPM के ऑक्सीजन प्लांट जनरेशन प्लांट से हमें सारे बेडों पे 100 के 100 बेडों पे ऑक्सीजन बिना सिलेंडर लगाए हुए, बिना उसको चेंज करते हुए ऑटोमेटिकली मिलता रहे। कोरोना का खौफ ऐसा कि लोग अपनों का अंतिम संस्कार करने से भी डर रहे हैं। हरिद्वार में ऐसे ही 400 लावारिस लाशों का अस्थि विसर्जन किया गया। कनखल स्थित सती घाट पर दिल्ली के कई शमशान घाटों से लाई गई 400 से ज्यादा लोगों की अस्थियां गंगा में विसर्जित की गई। उधर गुजरात से भी कुछ लोग लावारिस अस्थियों को लेकर हरिद्वार पहुंचे हैं। इन्होंने हरिद्वार में हर की पैड़ी पर पूरे विधि विधान के साथ अस्थियों को मां गंगा में विसर्जित किया। समाज में निस्वार्थ सेवा कर रहे लोग गुजरात से हरिद्वार पहुंचे। कोरोना के इस दौर में जहां अपने अपनों की सहायता नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही गुजरात से एक टीम आज हरिद्वार पहुंची है। ये टीम इतना महत्वपूर्ण काम कर रही है जो शायद अपने अपनों के लिए नहीं करते हैं। ये टीम यहां हरिद्वार इसलिए पहुंची है क्योंकि कोरोना के इस दौर में जिन लोगों की मौतें हुई हैं उसके बाद उनके परिजनों ने उन शवों को लेने से इनकार कर दिया और उसकी अस्थि विसर्जन के लिए भी वो हरिद्वार नहीं आए हैं। ऐसे ही सुजल की टीम है, ये गुजरात से यहाँ पहुँचे हैं हर की पौड़ी पर और इन्होंने 53 लोगों की आज अस्थि विसर्जन यहाँ गंगा में की है। ये बहुत पुण्य का काम है। सुजल, कैसे आपके मन में ये ख्याल आया और जिनका अस्थि विसर्जन किया है ये कौन लोग थे, इनको उनके परिजनों ने त्याग दिया था पूरी तरह? बड़ौदा सिटी में पिछले 1.5 साल से कोरोना का कहर बहुत बढ़ा है, लोगों की भी डेथ बहुत हो रही है। हम सामाजिक लोग पहले से ही हॉस्पिटल में सेवा कर रहे हैं, बाहर सेवा दवाई दे रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन जिसकी डेथ हो जाती है उनके परिवारजन भी इतने डरे हुए कि उनकी अस्थियां लेने से भी मना कर रहे हैं। वैसी अस्थियां बहुत सारी हमारे सिटी में जो मसान होते हैं वहाँ पर कलेक्ट हुई थी। वो अस्थियां का, क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति में है कि जैसे आदमी मर जाता है उसकी अग्निदाह हो जाती है, उसके बाद उसके जो अवशेष है, जो अस्थि है, उसका विसर्जन नहीं होता तब तक उनको, उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। आप कितनी अस्थियों को लेकर यहाँ पहुँचे थे? फर्स्ट टाइम आए हैं, इससे पहले भी आपने ये काम किया है? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ और 53 अस्थियाँ लेकर हम लोग आए हैं और यहाँ पे लाके हमने अस्थि का विसर्जन किया है, उनकी आत्मा को मोक्ष मिले। हरिद्वार में ये लोग पहुँचे हैं और 53 लोगों का अस्थि विसर्जन किया है। ये 53 लोग वो थे जिनके परिवार जिन्होंने उन्हें पूरी तरह से त्याग दिया था। तो ये कह सकते हैं कोरोना काल में हर कोई, कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़कर दूसरों की सहायता कर रहे हैं, लेकिन सुजल की टीम ने जो काम किया है ये निश्चित तौर पर उनके लिए सम्मान की बात है। हरिद्वार से प्रतियोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी। बुद्ध पूर्णिमा स्नान पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम नजर आई। सामान्य दिनों में गंगा में स्नान के लिए दूर दूर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते थे, लेकिन कोरोना के चलते हरिद्वार की हर की पैड़ी पर लोगों की संख्या ना के बराबर नजर आई। मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने, गंगा की पूजा अर्चना करने से असीम पुण्य का लाभ मिलता है। हमारे यहाँ ये ऐसी मान्यता है कि आज भगवान गौतम बुद्ध का आज जन्म हुआ था, जो भगवान विष्णु के अंशा अवतार हैं, तो उनका जन्मदिन आज मनाया जाता है, तो इसलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं। और चूंकि वैशाख का महीना आज समाप्त हो रहा है, जो कि चैत्र पूर्णिमा के दिन से वैशाख स्नान प्रारंभ हुआ था, सामान्य दिनों में ये पूरे एक मास का स्नान होता है और पूरे मास यहाँ पर स्नान आरती गंगा जी हर की पैड़ी ब्रह्मकुट पर स्नान के लिए आते हैं। आपका लक्सर में अन्नदाता परेशान है, किसान के सामने यूरिया की खरीद को लेकर संकट है, किसान परेशान है। इस बीच गन्ना सहकारी समिति में धांधली की बात सामने आई है। आरोप है कि गन्ना सहकारी समिति के इंचार्ज ने रात के करीब 1 बजे अपने चहेते लोगों को बुलाकर यूरिया बांट दिया। किसानों को इसकी भनक लगी तो मामले की शिकायत एसडीएम से कर दी है। एसडीएम ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। शाम तक इन्होंने हमें खाद मिल दिया, ये कहा कि आपको कल सुबह खाद मिलेगा। हम आज जब खाद लेने के लिए आए तो हमें पता चला कि रात में इन्होंने 12 और 1 बजे खाद बांट दिया है और आज खाद नहीं है। मैंने उनकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है जिनसे मेरी बात हुई, जो यहाँ पे इंचार्ज थे, उन्होंने कहा मैंने एसडीएम साहब के कहने पर खाद बांटा है। मैंने एसडीएम साहब को कॉल लगाई तो एसडीएम साहब लक्सर ने कहा कि नहीं, मुझे उसका नंबर दो, मैं तो डांटता हूँ। उसके बाद मैंने सचिव साहब से बात की, उनके द्वारा कहा गया कि सुबह 10 बजे से 5 बजे तक ही आदेश हैं बिक्री करने के, परंतु काश्तकार जो पहले ही जो लाइन पर लगे हुए थे उनको देर रात तक उनके द्वारा खाद का बिक्री की गई है, जिसके संबंध में इनसे स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है कि आपके द्वारा समय उपरांत क्यों खाद की बिक्री की गई। रुड़की का किसान अपने गेहूं बेचने के लिए अब तक परेशान है। कई केंद्रों पर गेहूं को तोलने के लिए सामान तक नहीं है, जिससे किसान परेशान है। इस मामले में एसडीएम का कहना है कि गेहूं खरीद को लेकर शिकायत मिली थी। अभी 3 क्रय केंद्रों पर किसान लगातार गेहूं पहुंचा रहे हैं। जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनका गेहूँ जरूर खरीदा जाएगा। कागज जमा कर रखे और उसके बाद भी कभी आज कभी कल कभी बारदाना नहीं, कभी लेबर नहीं, सस्तों समस्या आ रही है। आज यहाँ ले गए, परेशान होगा मंगलोर में कोई नहीं आया देखने के लिए, शिकायत भी करे तो किससे करें,
कोई सुनता ही नहीं भाई। ये कहकर टाल देते हैं कि बारदाना नहीं आया अभी भाई, कल आ जाना, कल बड़ा बारदाना आएगा, कभी लेबर का बता दो। बस ये रूटीन में बहुत अच्छी तरीके से गेहूं का क्रय किया जा रहा है और तीनों ही जो सेंटर प्रभारी थे वो मौके में उपस्थित पाए गए। बाकी ये सभी जितने भी क्रय केंद्र हैं उनको डायरेक्शन है, किसानों का जितने का भी रजिस्ट्रेशन हुआ है उन सभी का गेहूं खरीद और नीट एंड क्लीन तरीके से ताकि अन्य लोगों को कोई परेशानी ना हो। मसूरी में भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मसूरी माल रोड पर विद्युत लाइन भूमिगत करने के लिए राज्य सरकार की ओर से 2.36 लाख रुपए की योजना कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के अथक प्रयासों के बाद स्वीकृत की गई थी। मसूरी माल रोड पर विद्युत लाइन भूमिगत किए जाने को लेकर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है। दोनों इस योजना का श्रेय लेने की होड़ में एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। मसूरी की सुंदरता के लिए हम प्रतिबद्ध है। हमने पहले दिन ही बोला था कि मसूरी को सुंदर बनाया जाएगा और इसको देखते हुए हमने सबसे पहले बिजली डिपार्टमेंट को अंडर प्रोटेस्ट 1 करोड़ रुपए जमा कराए। बहुत टाइम से विवाद चल रहा था पैसों के लेन देन का, तो हमने 1 करोड़ रुपए पालिका से जमा कराए इस शर्त पे कि आप पिक्चर पैलेस चौराहे के आसपास के जितने पोल्स और लाइट्स हैं उनको आप भूमिगत करेंगे। और आज बहुत खुशी की बात है कि सारे लाइनें भूमिगत हो गई है, फर्स्ट फेज की, सेकंड फेज की, और जितने भी खंबे अभी बचे हैं वो अगले फेज में उनको भूमिगत करने का कार्य किया जाएगा। द्वारा बताया गया कि 2.36 करोड़ का जो यहाँ पर इसमें जो खर्चा आया है टोटली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यूपीसीएल के माध्यम से यहाँ पे किया है और उसमें कहीं भी 1 रुपये नगर पालिका का नहीं है। और जो 67 लाख रुपये उन्होंने देने की बात करते हैं वो 1.85 करोड़ की देनदारी उनके पास स्ट्रीट लाइट्स की थी जो कि सरकार ने उनको दे दिया था, लेकिन उनके द्वारा खाली 67 लाख रुपये उसमें पेमेंट की गई है। 1.18 करोड़ अभी भी शेष है, लेकिन जो अंडरग्राउंड जो केबलिंग यहाँ पे बिजली की हुई है उसमें कहीं भी 1 रुपये का योगदान नगर पालिका का नहीं है। और मुझे लगता है कि जो अध्यक्ष जी हैं उनको भी SDO से जानकारी लेनी चाहिए और जो चैनल इसको दिखा रहे हैं उनको भी दिखाने से पहले एक बार SDO इलेक्ट्रिक मसूरी से उनका बयान लेना चाहिए। ताकि फूलों की घाटी को खोलने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अभी भी फूलों की घाटी में पैदल रास्तों पर बर्फ जमी हुई है जिससे साफ किया जा रहा है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं है कि फूलों की घाटी 1 जून से खुलेगी या नहीं। वही पौड़ी में NHM कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। NHM कर्मी सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी सरकारी कर्मचारियों की तरह ही 60 साल की उम्र तक जॉब सिक्योरिटी दी जाए जिससे उनका भविष्य सुरक्षित रह सके। साथ ही कर्मचारियों ने सरकारी कर्मचारियों की तरह ही समान कार्य के बदले समान वेतन देने की मांग की। कोरोना महामारी में जिस प्रकार से कर्मचारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं उसी प्रकार जो है सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो जो कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से ले। अगर कर्मचारियों की मांगों को सरकार गंभीरता से नहीं लेती है
तो पौड़ी जनपद के जितने भी कर्मचारी हैं एनएचएम में जो जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं वो सारे कर्मचारी जो है 1 तारीख से हुमायूं एक्सप्रेस में चले जाएंगे। वर्तमान में जो कोविड का अभियान चलाया जा रहा है, वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें पूरी तन्मयता से वो कार्य कर रहे हैं और उस कार्य के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। बढ़िया कार्य कर रहे हैं, उनकी जो भी अपेक्षाएं होंगी उसको उचित जो भी स्तर होगा उचित स्तर पे उसको पहुंचाया जाएगा, जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार उनको अवगत भी कराया। और अब खबर टिहरी से। कोरोना संक्रमण काल में रोजगार के साधन कम होने से अधिकतर लोग सरकारी सस्ते गल्ले की राशन पर निर्भर ही रहते हैं। सस्ते गल्ले का राशन अभी ऑनलाइन कार्ड धारकों को दिया जा रहा है, लेकिन अभी ऐसे कई कार्ड धारक हैं जिनके राशन कार्ड ऑनलाइन आधार कार्ड से लिंक नहीं हो पाए हैं, जिससे उन्हें सस्ते राशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लगभग अभी हमारे पास 6,500 के करीब कार्ड ऑनलाइन हो चुके हैं आजकल में। अब इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये आ रही है कि जब हमारा कार्ड ऑनलाइन होता है तो उस महीने की 20 तारीख को डेट ऑफ फ्रीज होता है और उसकी राशन की डिमांड निजी शासन को जाती है। तो कई लोगों के कार्ड आज की डेट में ऑनलाइन हो भी चुके हैं, लेकिन अभी शासन से उन पर राशन नहीं आ पाया, इसलिए भी क्षेत्रों में थोड़ा सा राशन की दिक्कत आ रही है। और अब उत्तराखंड का कोरोना अपडेट आपको देते हैं। आज कोरोना के 2,991 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना से 53 मौतें बीते 24 घंटे में हुई हैं। आज 4,854 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो गए हैं। तो जो नया अपडेट है उसके मुताबिक 2,991 नए केस उत्तराखंड में सामने आए हैं बीते 24 घंटे का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। और कोरोना से बीते 24 घंटे में 53 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही साथ आपको डिस्चार्ज होने वाले लोगों की संख्या भी बता दें। बीते 24 घंटे की अगर बात कर लें तो लोग यहां से डिस्चार्ज हुए हैं, अच्छे खासे लोग डिस्चार्ज हुए हैं।